मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग लाइन में बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इससे बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि परिवार वालों का थोड़ा सा समर्थन नहीं मिलता है, तो दैट इज अ मेजर फैक्ट। लोग अगर परिवार हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो पैशन को हम जीतेंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे। यस्टरडे हम सिलिकॉन इंस्टीट्यूट में गए थे एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद सम 800 स्टूडेंट्स। आप समझ सकते हैं कि 800 स्टूडेंट्स माना 800 दिमाग, 800 थॉट्स, 800 उनके अपने विचार, तो सारे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, यू नो एक स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन पूछा था कल, तो उन्होंने यही बोला कि मम्मी पापा जो बोलते हैं वो करना पड़ता है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते, कभी घर पे सहयोग नहीं मिल पाता है। सी स्पिरिचुअलिटी भी वहाँ पर हमको यही एक सीख हमको देती है कि आफ्टर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर एनीथिंग, हम कोई भी चीज़ के लिए एफर्ट्स डालते हैं ना, बड़ों को समझाते हैं, मम्मी पापा को समझाते हैं, या इफ़ इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, या इफ़ इट इज़ अ फॉरेन ट्रैवल उसके लिए जो जो भी चाहिए हम करते हैं, आई हैव सम डिज़ायर टू डू, मुझे कुछ करने की इच्छा है, तो उसके पीछे हम काफ़ी मेहनत करते हैं, दैट मेहनत माइट बी एनीथिंग। वो मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो जो मुझे उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, क्योंकि विदाउट एफर्ट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे एक्सेप्ट करो, अपने समझाने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स को या हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को कोशिश की, उसके पीछे एनर्जी आपने डाली, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है डेस्टिनी करके जो कोई नहीं चेंज कर सकता है। तो आफ्टर ऑल द एफर्ट्स, आपने 5 बार 10 बार 50 बार एफर्ट्स डालने के बाद जो रिजल्ट आपको मिला उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करने की ताकत मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से भी हमको मिलती है, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज डेस्टिनी विच वी कैन नॉट चेंज। बहुत बार हम दुखी होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तभी मन में आता है कि चलो कुछ घूम फिर लेते हैं, चलो कहीं किससे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो पर्टिकुलरली राइट टर्म सॉल्व, अगर समस्या को समाधान के ओर हम कैसे लाएं? हाँ देखिए, समस्या का जो समाधान है, एवरी टाइम वी मे नॉट गेट द सॉल्यूशन, कभी मिल सकता है कभी नहीं भी मिल सकता है। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कोई भी चीज़ के पीछे एफर्ट हम डालें, सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद नहीं मिलता है तो उसको हम एक्सेप्ट करें। कोई भी व्यक्ति को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो चेंज नहीं हो रहा है अपने हिसाब से, हम उसको एक्सेप्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल फ्यू इयर्स बैक मैंने कोई कंट्री में जाने के लिए वीज़ा बहुत मेहनत किया, वीज़ा नहीं मिला, तो व्हाट शुड बी माय रिस्पांस। अभी कोई बिजनेस करने की हम कोशिश करते, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बहुत मेहनत करने के बाद कोई जॉब लगती है नहीं लगती है, ऐसे बहुत वैरायटी वैरायटी ऑफ एफर्ट्स जो है हम लाइफ में डालते हैं। एवरी टाइम ये ज़रूरी नहीं कि हमको अच्छा रिजल्ट ही मिले, दैट इज़ लाइफ नो। तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके उसके बावजूद भी मैं कैसे खुश रहूँ, दैट इज़ अ टेक्निक वी लर्न इन स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड एंड दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन आई एम गेटिंग सक्सेस और आई एम गेटिंग मनी और आई एम गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माई रिलेशनशिप, माई चिल्ड्रन, माई वाइफ, माई हस्बैंड, नो, दैट इज़ अ थिंग विच यू गेट डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड एंड दैट इज़ कॉन्स्टेंट, वो नहीं चेंज होता है कभी भी। ओके लोगों के जजमेंट, अगर फेलियर कैसे डील करें ये सब? लोगों के जजमेंट को हम ऐसे ही डील कर सकते हैं, जब आप ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जाओगे एवरी डे वहाँ पर मुरली सुनाई जाती है, उस मुरली में गॉड एड्रेसेस यू एज स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। एक परमात्मा ऐसा है जो आप में केवल विशेषताएं ही देखता है, सो वेन यू कनेक्ट विथ गॉड एवरी डे आपकी विशेषताओं को वर्णन करता रहेगा वो सुनते यू विल रीच अ स्टेज वेयर लोगों के जो जजमेंट का असर आप पर नहीं होगा। तो डेली रिमाइंडर जो है, जैसे डेली खाना खाते हैं ऐसे डेली स्पिरिचुअलिटी लाइफ में चाहिए, तभी हम वो स्टेबिलिटी तक पहुँच पाते हैं। हम 4 दिन हमने किया मेडिटेशन और हम सोचने लगे कि कुछ नहीं हुआ, तो 5th दिन बातें आएंगी, जजमेंट आएंगी, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जैसे डेली खाना खाते हैं, एक दिन भी एक टाइम भी अगर हमारा खाना मिस होता है तो वी स्टार्ट फीलिंग वीक, ऐसे मन के लिए हम कहाँ खाना खिला रहे हैं। यस, सो डेली मन को खाना खिलाने से क्या होगा, माइंड स्टेबल हो जाएगा और परमात्मा के जो महावाक्य एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इज़ कॉल्ड एज मुरली, और सुनने से क्या होते हैं हमारे, अभी मैं आपको 5 मिनट अप्रिशिएट करूँ बैठ के, तो आपको कैसे फील होगा,
अच्छा लगेगा ना सी उन्होंने मेरे में ये विशेषताएं देखी। ऐसे डेली अगर परमात्मा आपकी महिमा करे, आप प्योर हो, आप हैप्पी सोल हो, आप ब्लिसफुल हो, आप नॉलेजफुल हो, आप गॉडली सर्वेंट हो, आप ये हो, आप ये हो, यू नो दोज पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली सुनने से मन ऐसा पॉजिटिव बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, जो आपको नेगेटिव सुनाएगा वो आपको इतना असर नहीं करेगा। एंड हैंडलिंग द फेल्यूर इज ऑल्सो लाइक एक्सेप्टिंग इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड वर्किंग अगेन विथ मोर पॉजिटिविटी। एंड वेन जब मेरे लाइफ में फेल्यूर हम हो जाते हैं उसके लिए कौन क्या कहता है वो इतना हमको अंदर नहीं लेनी चाहिए। आई शुड मेक मोर एफर्ट्स एंड मूव ऑन विथ पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। परमात्मा के अगर हम बच्चे हैं तो सक्सेस इज गारंटीड, ये उनका वरदान है, भगवान का वरदान है कि सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसको साथ लेके हॉनेस्टी से हम एफर्ट्स डालते जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी सक्सेडेड। ओके, आप जैसे देख रहे हैं अभी कि सुसाइडल केसेस आर इंक्रीजिंग, कुछ भी हो गया तो हम ऐसे सोचते हैं कि चलो जीवन में हार मान लिया, चलो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ रहेगा नहीं तो क्या डील करेंगे। ऐसे में बच्चे कुछ भी हो जाए तो सुसाइड के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप को कैसे प्यार करें वो सवाल है। अपने आप को कैसे प्यार करें, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस्टरडे आई एड्रेस दिस इश्यू एट सिलिकॉन इंस्टीट्यूट वेयर इट्स लाइक यंगस्टर्स एंड यूथ, बिकॉज इतनी सी भी ताकत नहीं आत्मा में कि छोटी सी भी इंसल्ट को हम टॉलरेट करें। पहले जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो टीचर्स मारते भी थे बच्चों को, यू नो दैट वॉज द लेवल ऑफ टॉलरेंस जो स्टूडेंट्स में था। लेकिन आजकल के बच्चों को मारना तो दूर की बात है, हम उनको डांट भी नहीं सकते। तो वही बात आती है कि जब मेरा मन कमज़ोर है, अभी फॉर एग्जांपल आपको 9 बजे नाश्ता करने की आदत है मॉर्निंग में, आपने अगर 10-11 बजे तक नहीं किया तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। छोटी सी बात है, वो बॉक्स को ऐसा नहीं वैसा रखना चाहिए था। 9 बजे आपको लगेगा कोई बात नहीं, लेट इट बी लाइक दैट, नो इट इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन ओनली। 11 बजे सिचुएशन वही है, अब ज़्यादा चिढ़ोगे, क्यों भूख लग रही है ना, ऐसा क्यों रखा है, ऐसे थोड़ी रखना होता है, वैसे थोड़ी रखना होता है। सिचुएशन सेम है, 9 AM आपका रिस्पॉन्स क्या है और 11 AM रिस्पॉन्स क्या, डिफरेंट हो जाता है ना। ऐसे ही मेडिटेशन हमको अर्ली मॉर्निंग में 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लिया तो अगर 6 AM यू आर रेडी विद द मेडिटेशन, योर माइंड इज़ पॉजिटिव, तो आपको 8-9 बजे कोई भी सिचुएशन आए आप डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मन से आप अभी भूखे नहीं हो। जैसे आप बता रहे थे कुछ समय पहले कि आपके नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी आश्रम में आइए, वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए जो लाइफ में चेंजेस लाएगा, लेकिन मैं ये बोल रही थी कि ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े देयर बिलियंस ऑफ पीपल, लोगों का डिफरेंट डिफरेंट थाट्स हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गए तो हम एकदम से सात्विक हो जाएंगे, नॉन वेज नहीं खा पाएंगे, ऐसे भी सवाल आते हैं कि परिवार से दूर रहना पड़ेगा अगर घर वाले भी बोलेंगे कि शादी से दूर नहीं रह सकते, ऐसे में क्या क्लियर थॉट्स क्या लाएं? वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ब्रह्म कुमारी इसके प्रति बहुत लोगों के मन में है। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पूछते रहते हैं, रिलेटिव्स पूछते हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आप एक बार अच्छे से क्लैरिफिकेशन आप ले लीजिए। वेन यू गो टू अ ब्रह्म कुमारी सेंटर, जब भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाओगे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ये छोड़ना है, आपको शादी नहीं करनी है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कोई नहीं आपको कहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 95-97% ऑफ जो लोग ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं वो आप जैसे लोग हैं, घर में रहते हैं, 1-2 घंटा आश्रम पे देते हैं, वहाँ मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, वापस घर में जाएंगे, अपनी जिम्मेवारी ड्यूटीज निभाएंगे। ओनली 3-4% ऑफ लोग मेरे जैसे हैं जो कम्प्लीटली समर्पित हैं। इट द सेम सिचुएशन इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन ब्रह्म कुमारीज। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है, आपको केवल कैसे परमात्मा को याद करना है, कैसे अपना जीवन अच्छा बनाना है, यही बताया जाएगा। लेकिन आध्यात्मिकता एक जर्नी है ना, आप जैसे आध्यात्मिकता में आगे जाओगे आपको खुद लगेगा कि मुझे ये छोड़ना है, शायद मुझे बाहर का नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है। जब आपको खुद लगेगा कि मुझे करना है ये, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे बाहर का ही खाना है, मुझे ये खाना है वो खाना है, यू आर फ्री टू डू दैट।
आपको कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहाँ जाने के बाद भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि नहीं मुझे शादी करनी है, यू विल बी फ्री टू डू दैट, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता का जो रास्ता है उसमें अगर आपको अगर आगे जानी है, इफ़ यू डिसाइड कि मुझे ऐसे ही प्योर लाइफ लीड करनी है, मुझे कम्प्लीटली धारणाओं पर चलनी है, इट्स अप टू योर डिसीशन आफ्टर गोइंग टू अ ब्रह्म कुमारी सेंटर फॉर 6 months, 1 year और 2 years। आपके डिसीशन पे ही वो निर्भर करता है, कोई भी आपको वहाँ पे फोर्स नहीं करेंगे। जैसे मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप समर्पित हो जाओ, या मुझे किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि आप खान पान की यू नो स्ट्रिक्ट फॉलो करो। व्हेन आई वेंट टू द सेंटर आई लर्न्ड मेडिटेशन, मुझे फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, स्टार्टेड डूइंग। मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये करना है, ये नहीं करना है।